हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। तो आज यहाँ का मौसम बताएं तो मौसम धूप लगी है और गर्मी तो आपको पता ही होगा कि कैसी गर्मी हुई है। तो चलो वीडियो को आगे शुरू करते हैं। छोटों को मेरा प्यार और बड़ों को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम। मैं अंकित आज लेके आया हूँ फिर आपके लिए एक नई वीडियो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर शुरुआती में आप कुछ काम करते हो या फिर YouTube पर वीडियो बनाते हो अगर और कुछ भी काम, तो शुरुआत में आपको ये लगता है कि हाँ मैं करूँगा, मैं कर दूँगा, एक न एक दिन मैं सक्सेस हो ही जाऊँगा। लेकिन बाद में जब उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, उसके बाद वो कुछ उल्टे तरीके के सवाल सोचने लगता है कि लोग क्या कहेंगे, अगर सक्सेस नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरे मुझसे नहीं हुआ तो क्या करूँगा, ये सब सोचते रहते हैं। मैंने भी सोचा था, ऐसा ऐसी बात नहीं है, मैंने भी सोचा था कुछ दो तीन चार हफ्ते पहले जब मैंने ये चैनल शुरू किया था, तो शुरू में मुझे ये लगा कि हाँ मैं कर दूँगा। उसके बाद मैं डीमोटिवेट होता गया कि अगर नहीं हुआ, क्योंकि मेरे वीडियो पर व्यूज़ भी नहीं आ रहे थे, तो मुझे ये लगा कि अब नहीं होता। और ऐसे टाइम पे हमें अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा, छोड़ दो, कुछ और देखो, और अपनी तरफ से नई नई चीज़ें बताते हो कि हाँ ये कर, वो कर, हलाना कर, फलाना कर, ऐसी चीज़ें कई चीज़ें बताते हैं जो ये लोग जिनको हम अपनी बात शेयर करते हैं। तो मैंने भी एक दो को बोला था कि ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि छोड़ दे ये चीज़, यूट्यूब पर वीडियो बना रहा, ब्लॉग बना रहा, तो छोड़ दे, कुछ और देख ले, मुझे ऐसे ही कहा। तो लेकिन मैंने कल परसों ये दो तीन दिन पहले मैंने रात को एक वीडियो देखी यूट्यूब पर, वो वीडियो देखी थी मैंने, जो चैनल का ओनर था उनका नाम था मनोज दे। तो उन्होंने एक मोटिवेशनल वीडियो बनाई थी जो मैंने देखी, उसके बाद उनकी दो तीन वीडियो और देखी मैंने। तो उन्हें देख कर मुझे ये लगा कि जो अपनी बातें मैंने अपने दोस्तों से शेयर की थी वो नहीं समझ पाई, लेकिन वो इन्होंने इस वीडियो में समझा लिया मुझे कि। और अगर मनोज सर की मैं हर एक मोटिवेशनल वीडियो के बारे में बताऊं, तो उनके हर एक मोटिवेशनल वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आप एक बार ज़रूर देखना कि उनकी हर एक वीडियो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, आपको आगे बढ़ने पर मजबूर कर देगी। आप एक बार ज़रूर देखना उनकी वीडियो। तो उनकी वो वीडियो थी कि लाइफ में सक्सेसफुल कैसे बने, तीन मूल मंत्र, ये टाइटल था उस वीडियो का। और वो मैंने देखा, वो कल ही रात देखा मैंने, उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो मनोज सर को मैं तहे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ, धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसी वीडियो बनाई। ये मेरे लिए नहीं बनाई, ये सबके लिए बनाई, जो डीमोटिवेट होते हैं उनके लिए बनाए। तो मनोज सर को तहे दिल से थैंक यू। मैं उन्हें अच्छे ढंग से तो नहीं जानता, पर इतना ज़रूर जानता हूँ कि जिस किसी ने भी उनकी ये वीडियो देखी होगी उसने आगे बढ़ने का ज़रूर सोचा होगा कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो मनोज सर को थैंक यू। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो यहीं तक थी, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।